गाइस नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। पता है कल रात को क्या हुआ था कि हम ना मूवी देख के KGF देख के 10:45 में सिनेमा हॉल से बाहर निकले। उसके बाद फिर ना लेट हो रहा था तो हम सोचे कि ना 11 बजे तक लास्ट मेट्रो चलती है तो हम मेट्रो से पहले है ना अपने एरिया में पहुंच जाते हैं, उसके बाद कुछ खा लेंगे। एंड पहुंचते पहुंचते फिर क्या हुआ ना कि फिर सोचे कि चलो अपने घर ही निकल जाते हैं। तो ऐसे निकलते निकलते ना कुछ भी खा नहीं पाए। एंड प्रियांश और मैं ना पहले से मूड बना के निकले थे कि बर्गर और पिज्ज़ा दोनों में से कुछ भी खाएंगे। एक तो हम वहाँ काफ़ी लेट पहुँचे थे, ये बर्गर खा लिए थे। मैं और प्रियांश ना इतनी लेट, मतलब 7:20 का शो था एंड हम ना 7:10 में वहाँ पे पहुँचे हैं, मेट्रो से जस्ट बाहर निकले हैं। तो फिर ना ये मतलब स्पीड में हम पहुँच गए हैं सिनेमा हॉल, हम कुछ खा नहीं पाए, खाली पेट ही सिनेमा देखना पड़ा। पेट में दौड़ रहे थे चूहे, फ्री में मतलब खाली पेट तो सिनेमा देख ली। फिल्म तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा ही अच्छा था, पर भूख से ना फिल्म समझ नहीं आ रहा था। एंड प्रियांश को पता है मैं सुबह में उठा चुकी हूँ एंड उसको फिर ना नहला धुला के उसको पूरा रेडी कर दी हूँ, पर रात में वो 12 बजे सोया है ना तो उसे इतनी नींद लगी है कि फिर से वापस से जाके सो गया है। कुछ बोली नहीं हूँ मैं भी क्योंकि शायद उसे ज़्यादा ही नींद लगी है इसलिए छोड़ दी हूँ और वो जाके सो गया है। अभी मैं ना कुछ देर में उसे उठा दूंगी क्योंकि आज उसे स्कूल जाना है। मिलती हूँ कुछ देर के बाद। प्रियांश भाई, हेलो गाइस, अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं एंड मैं जल्दी अपने प्रियांश को लेने उसके स्कूल पे एंड 12 बज के 1 मिनट हो रहा है, 12 बज के 2 मिनट होकर मैं स्कूल पहुंचूंगी। प्रियांश अपसेट हो जाएगा अभी मुझे देखकर। आज मैं लेट से आई हूँ, प्रियांश अकेले खड़ा होगा। प्रियांश स्कूल से भी आया है, हेलो उसने बोल दिया। पता है मैं इसकी मैम से पूछी हूँ मेरा बच्चा बात करता है कि नहीं स्कूल में, तो इसकी मैम कह रही थी प्रियांश इज वेरी टॉकेटिव। और फिर मैं उससे पूछी कि मैम ये बदमाशी करता है कि नहीं, तो कह रही वेरी नॉटी बॉय। इसे देख कर आप सबको क्या लगता है कि ये बदमाशी करने वाला बच्चा है? अच्छा अपना बुक दिखा रहा है, इसका समर वेकेशन कल से स्टार्ट हो गया ना तो सारे बुक इसकी मैम इसके बैग में दे दी है, तो वही दिखा रहा है कि मम्मा मुझे इतने सारे बुक मिले हैं। प्रियांश प्रियांश कुछ बात करना है? आज टिफिन कंप्लीट करके आए हो कि नहीं आए हो? वाओ गाइस, कल से ना प्रियांश का समर वेकेशन स्टार्ट हो रहा है, उसकी मैम सारे बुक उसको बैग के अंदर दे दी है, वही वो बैग से निकाल रहा है। आज मैं इसकी मैम से पूछी हूँ कि मेरा प्रियांश स्कूल में बात उत करता है कि नहीं, तो कहती है मैम ने कहा है कि प्रियांश इज वेरी टॉकेटिव बॉय। इसे देख के लग रहा है कि ये टॉकेटिव है एंड इसको बोली नहीं कि वेरी नॉटी बॉय है प्रियांश। ये नॉटी दिख रहा है, ये बात तक नहीं करता है किसी से। प्रियांश हेलो बोलो, से हेलो प्रियांश, इसने हेलो बोल दिया। देखिए इसे समर के समर वेकेशन में क्या होमवर्क मिला है, ये ओरिगामी हाउस खुद से बनाया है। मैं ये देख ले और ये देखो। अच्छा इसके आंसर सीट आ गए हैं, अब मैं इसको ना आप सबको दिखाऊंगी ये कितने कितने मार्क्स लाया है। गाइस देखिए प्रियांश का रिजल्ट आया है, इंग्लिश में 15 में वो 12 लाया है एंड उसके बाद हिंदी में 15 में 14 लाया है, फिर मैथ में 20 में 17 लाया है एंड फाइनल EVS में 20 में 18 लाया है। एंड प्रियांश तुम्हें तो माय बॉडी इज ऑन पता है, तुम 23 को 32 क्यों लिखे हो? तुम्हारा बर्थडे कब है? व्हेन इज योर बर्थडे? 23/2/1। तो क्यों गलत लिखे हो यहाँ, 32 क्यों लिखे हो? 23 अक्टूबर है तो दूर हो जाओ पहले। एंड
आई एम अ बॉय और गर्ल प्रियांश? बॉय। बॉय तो तुम वहाँ पे आर यू कंफ्यूज? नहीं, यू आर अ गर्ल। नहीं बॉय। गर्ल। बॉय। देन उसका रिस्पॉन्स क्यों नहीं किया, यहाँ पे क्यों नहीं लिखे हो? देखिए गाइस, यहाँ पे क्या किया है, आई एम अ बॉय होना चाहिए या गर्ल होना चाहिए वॉट एवर, मगर इसके बावजूद आई एम 4 ईयर ओल्ड लिख दिया ये लड़का। हेलो गाइस, ये दोनों तरफ से देख रहे हैं ना, ये मेहंदी का पत्ता है, इसे हम तोड़ने आए हैं। आपको भी लेना है तो आ जाइए इसी पार्क में, इसका नाम है मेहंदी पार्क। हम ये दोनों साइड जो दिख रहा है थोड़ा सूख गया है, पर इसी पत्ते को तोड़ने के लिए इस पार्क में आए हुए हैं। चलिए तोड़ने के बाद मिलते हैं। गाइस, इस बच्ची ने मेरा चोटी बना दिया है। चोटी कैसा दिख रहा है, मेरे ऊपर सूट कर रहा है कि नहीं बताइएगा जरूर। दोपहर को बैठ के यही काम कर रहे हैं हम लोग, ये चोटी बांध रही है, मैं बंधवाई हुई हूँ एंड पीछे खजूर चोटी है। प्रियांश गाइस, पता है सामने एक दरवाजा है जहाँ ना SSC का कोचिंग होता है एंड 1 से 12 तक का ट्यूशन होता है। मैं उस गेट पे जाऊँगी, देखिएगा प्रियांश कैसे डरेगा। ये रहा सामने वाला गेट, देखिए प्रियांश कैसे आएगा। देखिए प्रियांश कैसे आ रहा है, अब वो आएगा। ये तो ताले बंद है, वो मुझे पकड़ के पूरे स्पीड लेके चला जाएगा। वो जानता है कि मैंने ना ये सर के पास जाऊंगी तो इसको ट्यूशन की बात कर लूंगी, इसलिए मुझे हमेशा लेके चलता है। गाइस पता है ये पार्क में हम आए हैं पत्ता तोड़ने के लिए, पर यहाँ पे पत्ता नहीं दिख रहा है, सारा पेड़ सूख गया है गर्मियों से। लग रहा है ना कि ये पेड़ नहीं झाड़ू बना हुआ है। पत्ता ये देखिए, इतना पत्ता मिला है, बालों में कैसे लगेगा क्या पता। अब आप भी आ जाइए, आपके सहयोग से शायद पत्ता इतना हो जाए। हेलो एवरीबॉडी, पता है इस पार्क में लिखा हुआ है ना कि पत्ता तोड़ना मना है, हम इसके अगेंस्ट जाके मेहंदी के पत्ते को तोड़ रहे हैं। आप पार्क में शराब पीना नहीं, पार्क के अंदर सुंदर बनाए रखे, कौन सा लाइन है, हाँ थर्ड वाला पढ़ लीजिएगा, मगर हम उसके अगेंस्ट ही जाके पत्ता तोड़ रहे हैं। हेलो गाइस, अब जाके हम घर आए हैं, अभी शाम के 6:45 हो रहे हैं। अब मैं पूजा करने जाऊंगी, पूजा करने के बाद आऊँगी तो फिर एक कप चाय पीऊँगी, उसके बाद फिर मेरा सारा घर का काम स्टार्ट होगा। आज का ब्लॉग सबको मेरा पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। प्रियांश बाय करो, बाय बाय बोलो प्रियांश, बाय उसने बोल दिया, वही।